Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Rinki. Here I am again with a new video. In our previous video we were talking about, we have already discussed the diseases, their symptoms, their effects and the treatment. This was our very recent video, and in this video we will talk about the prevention. तो स्टूडेंट लेट स्टार्ट आर वीडियो. तो देखो सबसे पहले आप अगर सोचोगे कि हाँ भाई हमने ट्रीटमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, व्हाई देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्यों चाहिए. देखो आपने एक टर्म सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, बेटर देन क्योर, कि रोकथाम करना, प्रिवेंशन करना अच्छा होता है कि आप किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो. ट्रीटमेंट से अच्छा क्या है, प्रिवेंशन है. तो स्टूडेंट ऐसा क्यों कहा जाता है और ये बात हमेशा बोली जाती है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा क्यों होता है. देखो पहला रीज़न इसके लिए ये है कि मान लो कई बार होता है कि आप क्योर तो हो चुके, आपको ट्रीटमेंट मिल चुका है, पर जब वो डिजीज़ थी वो डिजीज़ कॉज कर सकती है, डिजीज़ मे कॉज सम परमानेंट डैमेज, कि जब तक वो ठीक हुई है वो आपकी बॉडी में कोई परमानेंटली डैमेज छोड़ के चली गई. जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलियो, देखो किसी को पोलियो हो गया, पोलियो में क्या होता है, पर्सन को एक कोई भी लिम्ब होती है, हाथ या पैर या फिर कुछ और प्रॉब्लम, वो काम करना बंद कर देते हैं. अब उस इंसान को पोलियो अगर मान लो ठीक भी हो जाता है, पर उसका जो लिम्ब है चाहे हाथ पैर है वो हमेशा के लिए क्या हो गया, ख़राब हो चुका है, अब वो फिर से ठीक नहीं होगा. तो कई बार डिजीज़ क्या कर देती है, परमानेंट डैमेज कर देती है. देखो जब आपको डिजीज़ हुई उस पर, उस टाइम पे डॉक्टर आपको बोलता है रेस्ट करना है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम और आप डॉक्टर से इलाज करा तो आपका मनी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा इस टाइम पे. तो हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. एक और स्टूडेंट, जब आपको मान लो आपको डिजीज़ हो चुका है, तो आप इस टाइम पे जब तक आपको मेडिसिन चल रही है, जब तक आपका क्योर चल रहा है, इस टाइम के बीच में आप कितने लोगों को और ज़्यादा स्प्रेड करोगे वो डिजीज़. सपोज़ जैसे ये कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ही रीसेंट टॉपिक है. देखो अगर किसी को एक हो रहा है, ये वायरस हो गया है, वो क्योर हो रहा है, वो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया अगर, तो कितने और लोगों को ये चीज़ स्प्रेड करेगा. अब अगर उसी इंसान ने प्रिवेंशन, उसने प्रिवेंटिव मेजर लिए होते तो ऐसा नहीं होता ना. तो इसीलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर. अब आप पूछोगे कि भाई हम प्रिवेंशन कैसे करें, किस वजह से कैसे प्रिवेंशन हम कर सकते हैं. तो देखो अगर एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, कि जो हवा से फैल रहा है, तो उसको आप कैसे कवर, इसको कैसे रोक सकते हो, उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, बाय अप्लाइंग द मास्क. अपने मुंह को मास्क लगाकर कवर करके जो जिस पर्सन को ये इन्फेक्शन हुआ है उससे डिस्टेंस मेंटेन करो. देखो अब मेरे को आई थिंक एयरबॉर्न के बारे में तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों ने खुद देखा है हमारा जो अभी ये जो वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस जो फैल रहा है, दैट इज़ एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन है. मास्क लगा रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ रही है, और अवॉइड करना है आपको ओवर क्राउडेड एरियाज़, जिस भी एरिया में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो ऐसी जगह पर नहीं जाना होता है, क्योंकि ऐसी जगह पर ये वाला इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड होता है. तो पहला प्रिवेंशन आ गया आपका एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए. अगर मैं वाटरबॉर्न की बात करती हूँ, कि जो पानी से फैल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलरा, जिसमें वो जाता लूज़ मोशन, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती हो, गंदा पानी पीने से होती है, तो आप क्या बता सकते हो, बाय ड्रिंकिंग द बॉइल्ड वाटर, अच्छे से प्रॉपरली उबला हुआ पानी पीना चाहिए, जिससे आपको क्या हो, ये जितने भी वाटर से बॉर्न इन्फेक्शन है वो आपको ना हो. अगर हम लोग वेक्टर बॉर्न की बात करते हैं, देखो वेक्टर बॉर्न मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताए थे, जो मच्छर या मक्खी से होते हैं, फ्लाइज से होते हैं, मस्क्यूटोस से होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, बाय द प्रॉपर
सैनिटाइजिंग कंडीशन बाय हैविंग द प्रॉपर सैनिटाइजिंग कंडीशंस या फिर प्रॉपरली क्लीन सराउंडिंग. आपको अपने आसपास के एरिया को प्रॉपरली सैनिटाइज रखना है, क्लीन रखना है, ताकि आपके आसपास मक्खी और मच्छर आए ही ना. और अगर मक्खी मच्छर नहीं आएंगे तो आपको वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन नहीं होगा. अगर हमारा चौथा था STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बाय अवॉइडिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अननोन पर्सन. बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. ये क्या है? सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको बचा कर रखेंगे किसी डिजीज से. और अगर आपको डिजीज ही नहीं होगा तो आप लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, आप किसी और को स्प्रेड भी नहीं कर पाओगे और आपका कोई भी परमानेंट डैमेज भी नहीं होगा. तो अगर एयरबॉर्न डिजीज है तो आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है किससे, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, और आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना. पानी के लिए उबला हुआ पानी पीना है. वेक्टर के लिए आपको अपने आसपास की जगह हमेशा साफ रखनी चाहिए. बट अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रही है तो किसी भी अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं होने चाहिए. दीज आर ऑल द प्रिवेंटिव मेजर. अब हम बात करेंगे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर की, एंड दैट इज़ वैक्सीन. तो स्टूडेंट, आपने वैक्सीन नाम सुना होगा. अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और मैं बताती हूँ वैक्सीन होती क्या है. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो देर वॉज अ साइंटिस्ट नेम एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी. वो किसके ऊपर काम कर रहे थे? काउपॉक्स के ऊपर काम कर रहे थे, जो काऊ में होता था. अब देखो, उन्होंने क्या देखा कि जो मिल्कमैन है, जो दूधिया होता है, अगर उसको एक बार काउपॉक्स, वो इस वायरस के कॉन्टैक्ट में आ चुका है, जिसे स्मॉल पॉक्स होती है बाद में, ये हमारे यहाँ पे अगर ह्यूमन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स. उसने देखा कि जो एक मिल्कमैन है, दूधिया है, वो जो काउपॉक्स के कॉन्टैक्ट में आ चुका है, उसके बाद उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही है. तो उसने ये देखने के लिए बहुत सारे वो किए. तब उससे फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन प्रिपेयर की थी फॉर द स्मॉल पॉक्स. अगर आप बोल सकते हो डैट इज़ अ काउपॉक्स ऑल्सो. अब ये नाम कहाँ से आया वैक्सीन? तो स्टूडेंट देखिए, जो काउपॉक्स होता है उसे वहाँ पर लैटिन लैंग्वेज के अंदर, लैटिन के अंदर वैक्सीनिया बोला जाता है. और वैक्सीनिया को हम लोगों ने, वैक्सीनिया से क्या बन गया, ये वैक्सीन बन गया. तो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड जेनर. और कौन सी वैक्सीन डिस्कवर की थी उन्होंने? स्मॉल पॉक्स या फिर काउपॉक्स की वैक्सीन. तो ये हो गया आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब बात आती है कि ये क्या है. देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को एक बार कोई डिजीज़ हो जाती है, फिर उसको जल्दी से वो डिजीज़ दोबारा से नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? देखो, एक बार अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर क्या करती है, हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, उसे अच्छे से पहचान लेती है. और फिर जब वो अगली बार अगर वो आएगा, अगर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा आता है, तो हमारी बॉडी को पता है कि उससे फाइट कैसे करनी है. और उस टाइम पे हमारी बॉडी उसे क्या कर देती है, किल कर देती है. ये बात देखो स्टूडेंट, किसी को अगर कभी स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, जिसे हम माता बोलते हैं, माता हो जाती है, आपने कभी बचपन में भी सुना होगा, तो बोलते हैं उसे दोबारा नहीं होती है, एक बार हो जाती है फिर उसके बाद उसे दोबारा नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक बार उसकी बॉडी के अंदर वायरस गया, उसकी बॉडी ने उसे पहचान लिया, तब मान लो उससे बॉडी ने उसको, जब वो आपकी बॉडी ने उसे पहचाना और उसे क्या कर दिया, धीरे धीरे वो मार दिया उसने. जब वो अगली बार जब वो वायरस आएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी को पता है कि भाई ये पुराना वही था, अब मैं मेरे दुश्मन को पहचानती हूँ. वो जैसे ही अंदर आएगा आपकी बॉडी उसे मार देगी. अब क्या होता है कि अब जब तक वो आपकी बॉडी से पहचान रही है, जब तक वो आइडेंटिफाई करती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. और आप लोगों को क्या हो जाता है,
डिजीज़ हो जाता है। कई बार वो डिजीज़ इतनी ख़तरनाक भी होती है कि वो आपको जान ले ले। तो फिर इसीलिए, या फिर मैंने बोला अब वो डिजीज़ इतनी डेंजरस थी, सपोज पोलियो की बात कर रही हूँ, कि आपको एक परमानेंट डैमेज देकर चली गई, अब क्या फ़ायदा उसको पहचानने का कि दोबारा आएगी नहीं आएगी, तो फिर क्या करना है। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या बनाई, वैक्सीन बनाई। देखो वैक्सीन में क्या करते हैं, बेसिकली जिस बैक्टीरिया से, जिस वायरस से वो डिजीज़ हुई है, उन्हीं का डेड फॉर्म, मतलब जो अब मर चुका है, जिंदा नहीं है, डेड फॉर्म क्या लेते हैं, इनकी लेंगे और फिर उस एक किसी भी हेल्दी पर्सन, देखो सूर्यन मैं बार बार बोल रही हूँ ये टर्म्स, हेल्दी, ना कि किसी को कोई डिजीज़ हो रखा है उसको वैक्सीन देनी है, कोई हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर ये वायरस और बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। अब देखो ये है तो डेड है, तो कोई भी डिजीज़ तो कोस करेंगे नहीं, पर हमारी बॉडी को थोड़ी पता है कि ये डेड है, हमारी बॉडी ने तो वैसे ही आइडेंटिफाई करेगी और हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे लड़ना सीख जाएगी फिर, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर जिंदा वाले आ जाए, लाइव वायरस आ जाए, तो हमारी बॉडी को पता है उनसे कैसे लड़ना है और उसे इमीडिएटली वो उसे क्या कर देगी, किल कर देगी। बेसिकली वैक्सीन बिल्कुल उसके जैसा होता है, जैसे कि आपको पेपर से पहले हम लोग प्री बोर्ड लेते हैं, बोर्ड, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हो आप लोग, तो स्कूल वाले आपसे प्री बोर्ड नहीं लेते हैं, तो उसमें आपको क्या किया जाता है, एकदम बोर्ड जैसी फीलिंग दे देते हैं आपको, पूरी तरह से रटवा देते हैं, सब कुछ अच्छे से दिखा देते हैं, ताकि जब आप बोर्ड में बैठोगे तो आपको उतना डर ना लगे और आपको पता है कि मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया आपके अंदर, ताकि आपको पहले लड़ना आ गया, आपको, आपने अच्छे से उसे पढ़ लिया कि हाँ ये कैसा है, ताकि जब जिंदा वाला वापस आएगा तो आप इमीडिएटली उसे फाइट करोगे और उसे क्या कर दोगे, मार दोगे, उसे उतना टाइम ही नहीं दोगे कि वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सके। तो दिस वॉज द ऑल अबाउट योर वैक्सीन। ओके स्टूडेंट, हियर आर सम इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स जो आप लोगों को के सिलेबस में हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं वो मैं आपको आपके नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो सबसे पहले DPT, देखो ये 3 डिजीज़ के लिए अकेली वैक्सीन होती है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टैटनस। टेटनेस 3 डिजीज होती हैं जिनके लिए एक अकेली वैक्सीन दी जाती है। तो देखो सबसे पहले है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या होता है स्टूडेंट, खसरा होता है जो छोटे बच्चों में होता है मोस्टली, और ये ज़्यादा कोई सीरियस डिजीज़ नहीं होती है। वैक्सीन दे देते हैं छोटे बच्चों को ही उनके 4th मंथ में 5th मंथ में, इसकी 3 डोज दी जाती है, कौन कौन से मंथ में, उसके 3rd, 4th और 5th मंथ में, जब एक बेबी पैदा होता है उसको 3rd, 4th, 5th मंथ में। पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी और टैटनेस आपको पता ही होगा, टैटनेस में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें आपकी मसल्स वगैरह स्पाज्म हो जाता है और इससे डेथ हो सकती है, सबसे डेंजरस डिजीज़ होती है इन तीनों में से। तो दिस इज़ DPT, एक वैक्सीन ही दिया जाता है जिससे एक सिंगल वैक्सीन से 3 डिजीज़ हो जाती है। BCG इज़ बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, देखो आपको इनकी फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी, और एक वो कि कौन से डिजीज़ के लिए दिया जाता है, ये आपको TB के लिए दिया जाता है, डैट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस, जो TB होती है उसके लिए क्या होता है BCG। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की जो 2 बूंद पीते थे बचपन में, डैट वॉज OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब मुंह से दी जाती है, इसीलिए आपको दवाई की तरह पिलाई जाती है ना। हेपेटाइटिस बी सबसे सिंपल है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये तो सिंपल है, ये तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट वैक्सीन। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ आ गया है कि किस लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन सिर्फ एक किल्ड या फिर अनआर्म्ड बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई डिजीज़ ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।